हे नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक फ्री डिक्शनरी के बारे में, जिसे कि आप ऑनलाइन उसी के साथ आप उसे ऑफलाइन मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। या दोस्तों, इस डिक्शनरी में आपको 38 लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि आप इंग्लिश से 38 लैंग्वेज तक आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने वर्ड सेंटेंस जो कुछ भी है इंग्लिश में, आप उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं इस डिक्शनरी की मदद से। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ इस ऐप के बारे में। और दोस्तों, मैं हूँ सुमित डे रॉय, आप सभी का स्वागत है टेक इरा फॉर यू के इस नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है, इसे दबाने के बाद हमें आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने गूगल प्ले स्टोर पर, लिखना पड़ेगा यू डिक्शनरी, जो कि इंग्लिश ऑफलाइन डिक्शनरी है, जिसे आप जैसा कि आप यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं, जो इनका बैनर है यहाँ पे बेस्ट ऑफ 2016 ऐप, जो कि गूगल के तरफ से इसे बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐप का अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर हम इसके रीड मोड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितनी कितनी लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। 14 जो डिस्प्ले लैंग्वेज में दिखाई रहा है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 38 लैंग्वेजेस आपको इसमें और भी देखने को मिल जाएगी ऑफलाइन डिक्शनरी के तौर पे। तो मैं तो इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप भी, आपको लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इसे डाउनलोड कर चुके हैं, अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं कैसा है। तो ये है हमारा यू डिक्शनरी का इंटरफेस, कुछ ये दिखता है और ये नेट कनेक्ट होता है, तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत इसमें एड्स भी देखने को मिल जाए। तो अगर हम इसे मेन जो हमारी चीज़ है वो है ऑफलाइन डिक्शनरी, जो कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है ऑफलाइन डिक्शनरी में। तो जैसे कि दोस्तों, हमें यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इंग्लिश टू हिंदी। तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जैसे चाइनीज़, फ्रेंच, गुजराती वगैरह, आपकी कुछ रीजनल लैंग्वेज इसमें इसमें आने की है, इंडियन जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको जो भी डाउनलोड करना है यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है, जैसे कि अभी तो गुजराती है, बांग्ला, इस तरीके से आपको लैंग्वेज मिल जाएगी इंग्लिश टू आपकी रीजनल लैंग्वेज में, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इधर इंग्लिश टू हिंदी ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड कर चुका है, यहाँ पे टिक आ चुका है, बाकी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। तो हम अगर इसे टेस्ट करते हैं, तो अब मैं टेक वाला हूँ, तो जैसे यहाँ पे टेक लिखा ही हुआ था, मैं इसे ही क्लिक कर देता हूँ टेक। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका एक्सेंट वगैरह, इनकी जो असली जो एक्सेंट होता है इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, वो आपको देखने को मिल जाता है। और भी जैसे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत एड्स आते हैं और यहाँ पे और भी आपको इसकी मीनिंग्स वगैरह और कुछ सेंटेंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे भी आपको ये स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको, और इसमें आपको जैसे कि जो टैग लिखा हो उसके साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको वॉइस रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन मिल सकता है, यानी आप अपनी खुद की आवाज़ से भी इधर पे वर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको अगर ये जो लैंग्वेज चेंज करनी हो, आपको इस तरीके से ऊपर क्लिक करके करनी होगी, आपने जो डाउनलोड कर रखी है उसे आपको बस सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक और फीचर देख लेते हैं, जो हम डायरेक्ट पॉपअप वाला फीचर है, अगर हम कुछ सर्च करते हैं नेट पे, तो उस फीचर को हम जल्द से एक बार देख के ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं अपना गूगल क्रोम खोल लेता हूँ यहाँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, एक पॉपअप का ये ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, टर्न ऑन डिस्प्ले पॉपअप विंडो टू इनेबल ट्रांसलेट कॉपी टू ट्रांसलेट। तो मैंने इसे कंफर्म कर दिया है, अब मैं इधर पे और भी इसे कंफर्म कर देता हूँ, ये आपके फ़ोन के ऊपर है ये सब परमिशंस वगैरह, तो अब ये वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो मैं इसे फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, आईफोन 8 जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, अब ये देखिए दोस्तों, अब इसको तो कुछ खैर इससे रिजल्ट तो नहीं मिला है। अब हम एक और कोई सा वर्ड जैसे गैजेट हुआ, इसे हम ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गैजेट की भी उसने हिंदी में अनुवाद दे दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको यूके और यूएस दोनों ही एक्सेंट में आपको इसका प्रोनंसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो ये ऐप मुझे काफ़ी बेहतर लगी, अगर आप हिंदी डिक्शनरी के तौर पे अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, और वो भी ऑफलाइन, यानी कि आपको नेट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोस्तों, इस तरीके से इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह
इसमें भी देखने को मिल जाएगी, जैसे क्लियर, रिसेंट हिस्ट्री, कॉपी टू ट्रांसलेट, इस तरीके से आपको और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। माय वर्ड्स, रिपोर्ट प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ कुछ आपको इसमें ऐप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको, आप इसे रीड वगैरह कर सकते हैं। डिस्प्ले लैंग्वेज, इस तरीके से आप इधर देख सकते हैं, और यहाँ पे डेली के कोर्स वगैरह और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्मली इसमें, अगर आपका नेट वगैरह कनेक्ट रहता है तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और भी मदद मिली होगी, एक डिक्शनरी के तौर पे आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में और वो भी ऑफलाइन, यानी कि आपको इसमें नेट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी अपने इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करने में, या फिर आपकी रीजनल जो भी लैंग्वेज है उसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इससे आसानी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मैं हूं सुमित डेरो, आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो में। टेक केयर फॉर यू से, धन्यवाद दोस्तों।